हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हूँ मैं बाहर और आज है सैटरडे और आज मैं जा रही हूँ अपना इंग्लिश का एग्ज़ाम देने। यस, मुझे अपना एक इंग्लिश का एग्ज़ाम देना था जो कि हमारे जो सेटलमेंट वीज़ा है उसके लिए काम आएगा, तो हम उसी के लिए जा रहे हैं। और अभी हम सिटी सेंटर में जा रहे हैं, वहाँ पर मेरा सेंटर है। तो सिटी सेंटर हम बस से जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पर अंदर कार्स नहीं ले जा पाते और फिर परी को बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है एंड पार्किंग की भी प्रॉब्लम होती है। तो बस से जाएंगे और जहाँ हमें उतरना है उसके पास में बस उतार देगी, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। और तो मेरा जो एग्ज़ाम है इंग्लिश का वो B1 ग्रेड 5 एग्ज़ाम है जो सेटलमेंट के लिए यूज़ होता है, और उसके लिए मैंने तैयारी थोड़ी बहुत कर ली है। वैसे तो वो 10 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है और आपको आधे घंटे पहले पहुंचना है, और उसके दो सेक्शंस हैं, एक पर्सनल अपना टॉपिक तैयार करना है और सेकंड पार्ट में वो अपना 6 टॉपिक्स में से कुछ पूछेंगे। तो डिटेल में अपना एक्सपीरियंस मैं टेस्ट देने के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और अभी चलिए चलते हैं सिटी सेंटर और एग्ज़ाम देने, और आपको मैं बताती रहूँगी, ठीक है? तो बने रहिए मेरे साथ। Say hi. But he's already and excited to go to city center. उसको घूमने को मिलेगा और उसे बस में ट्रेवल करना बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत मजा आता है। सो फ्रेंड्स, अब हम सिटी सेंटर पहुंच चुके हैं एंड सिटी सेंटर के पास आते ही जब आप उतरते हैं तो वहाँ आपको एक अलग ही एक्साइटमेंट सी होने लगती है। सब चीज़ें वहाँ पर सुंदर सुंदर से दिखती हैं और वहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है, और मॉल भी है और सभी चीज़ें हैं। तो बस हम अपने सेंटर की तरफ ही वॉक कर रहे हैं और जैसे जैसे मैं वॉक कर रही थी वहाँ पर ये सारी चीज़ें देख कर बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये बिल्डिंग्स जो पुरानी पुरानी सी दिखती हैं कितनी खूबसूरत सी दिख रही थी। और ये जो सामने बड़ी सी बिल्डिंग है वो है विक्टोरिया स्क्वायर, और वहाँ पे काउंसिल का ऑफिस भी है, और मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, सबको अपने वीडियो में कैप्चर करने का मन कर रहा था। तो यहीं पर हमारी ये जो बिल्डिंग है विक्टोरिया स्क्वायर, यहीं पर मेरा जो था एग्ज़ाम था, और फिर मैं एग्ज़ाम देने गई थी। और एग्ज़ाम के अंदर तो मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड तो वहाँ कर नहीं सकते थे, बस वो मुझे अंदर ले गए थे और मेरा एग्ज़ाम वहाँ हो गया था। और फिर जैसे ही हम बाहर आए तो मैंने यहाँ का जो वीडियो है वो बनाना शुरू कर दिया, और परी ने यहाँ पर बहुत सारी मस्ती करना शुरू कर दिया था। एंड यहाँ पर हमें बहुत सुंदर लग रहा था ये विक्टोरिया स्क्वायर में आकर। और दोस्तों, यहाँ यही वो जगह है विक्टोरिया स्क्वायर जहाँ पर जो क्रिसमस है उसके टाइम पर बहुत ही खूबसूरत सा फेयर लगता है, मेला लगता है, फेस्टिवल्स लगता होते हैं। सो एवरीबॉडी, माय एग्ज़ाम इज़ डन एंड मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, एंड बिल्डिंग है जिसमें मेरा एग्ज़ाम था आज इंग्लिश का। और ये जो ब्राउन वाली बिल्डिंग है उसके अंदर मुझे जाना था और रिसीव करने के लिए कोई आया हुआ था, तो फिर मैं ऊपर गई उनके साथ और मेरा रजिस्ट्रेशन था वो उन्होंने कंप्लीट किया, फिर सिक्योरिटी चेक किया, फ़ोटो ली, उसके बाद जो वैलिड आईडी प्रूफ है वो चेक किया, एंड देन उसके बाद वेटिंग एरिया में मुझे थोड़ा सा बैठाया और फिर जो एग्ज़ामिनर के पास है। तो आजकल कोविड चल रहा है इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू था एग्ज़ाम, एंड जो मेरा टॉपिक मैंने चूज़ किया था, पर्सनल टॉपिक जो चूज़ करना था, वो मैंने होम कंट्री इंडिया किया था। तो उसके बारे में उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, और फिर जो 6 टॉपिक्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक और
ये थी वो बिल्डिंग। परी बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, सुना गिर जाओगे। सो दोस्तों अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड परी के हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मस्ती कर रही थी। शायद बहुत दिनों के बाद वो वीकेंड पे बाहर निकली थी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और दोस्तों अब सिटी सेंटर आई और फिर कुछ ज़्यादा शॉपिंग ना करें तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। एक छोटा मोटा हम देखेंगे कि क्या लेते हैं, वैसे कुछ चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी आए हैं तो कुछ ज़रूर लेके ही जाएंगे। और दोस्तों वीकेंड होने की वजह से सैटरडे था इसलिए काफ़ी भीड़ थी, सभी लोग बाहर निकले हुए थे और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, बारिश भी नहीं थी और बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो बस हम अब जा ही रहे थे कि देख रहे थे कि कहाँ से थोड़ा बहुत कुछ ले लिया जाए और वहीं हम उसी तरफ जा रहे हैं। और इतने सारे लोग थे, बहुत सारे लोग शॉपिंग के लिए, मस्ती करने के लिए सब लोग निकले हुए थे और मेरा भी मन था कि थोड़ा सा कुछ मैं देख लूं। तो वहीं उसी की तरफ जा रहे हैं और बहुत दिनों के बाद हम निकले भी थे और एग्ज़ाम भी बड़ा अच्छे से हो गया था मेरा और मुझे भी उम्मीद थी कि अच्छा ही रिज़ल्ट रहेगा उसका। और इसी तरह फिर अब मैं जा रही हूँ प्राइमार्क में। तो प्राइमार्क में एक बार सिटी सेंटर आओ तो प्राइमार्क को देखना बनता है, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। तो वहीं मैं देख रही थी यहाँ पर कितने खूबसूरत से बूट्स वगैरह आए हुए थे। एंड यहाँ पर भी मैंने कुछ चीज़ें ट्राई करी एंड परी जो किड्स का सेक्शन है वो ऊपर था लेकिन परी इतना ज़्यादा तंग कर रही थी कि मुझे वहीं पर फिर उसको कुछ देना पड़ा, ट्राई करवाना पड़ा। और बच्चों को बहलाना भी बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो बस वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और फिर हम ऊपर गए किड्स वाले सेक्शन में और फिर हमने देखा कि वहाँ से हम परी के लिए क्या लिख सकते हैं क्योंकि अभी परी ने नर्सरी जाना भी शुरू किया है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमने उसके लिए ऑलरेडी ही ले ली थी क्योंकि हमें नर्सरी में भी देनी थी और उसको ज़रूरत थी। तो फिर ऐसा कुछ मेरा ज़्यादा लेने का मन नहीं था परी के लिए। और दोस्तों थोड़ी बहुत चीज़ें लेने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस घर। तो हम अपने बस राइड ले ली है और अब हम चलते हैं घर की तरफ। और आज का जो ये दिन था, जो मेरा एग्ज़ाम का दिन था और एग्ज़ाम के बाद जो हमने मस्ती करी उसके बाद तो फिर हम बहुत थक गए थे और धीरे धीरे एक नर्वसनेस भी थी कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कैसा आएगा। लेकिन मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ था, मुझे पूरी उम्मीद थी कि अच्छे ही मार्क्स आएंगे, मतलब जो ग्रेड है ए बी सी ए ही आने की उम्मीद थी। लेकिन फिर भी लगता तो है ना क्या रिज़ल्ट आएगा। तो नेक्स्ट डे था जो हमारा मेरा रिज़ल्ट आएगा वो अगले दिन 9 बजे आने वाला था। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको लिखकर बता दूंगी कि मेरा रिज़ल्ट कैसा आया है और वो भी आप ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैं ज़रूर एक लिख दूंगी कि कैसा आया था मेरा रिज़ल्ट। और बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं एंड आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। और दोस्तों अगर आपको इसके बारे में जो एग्ज़ाम था मेरा इंग्लिश का B1 Grade 5, तो अगर आपको कोई भी लाइफ इन द UK या एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं और मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। Everybody, please, please say hi.
सो फ्रेंड्स वी आर बैक होम, हम घर आ चुके हैं और परी भी अब थोड़ा थक गई है, उसको मैंने चेंज कर दिया है, परी ने कर लिया है अपना, फूड भी खा लिया है। और दोस्तों अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ गए थे और क्यों गए थे। सो फ्रेंड्स मैं गई थी अपना इंग्लिश का एग्जाम देने। सो मेरा ग्रेड 5 लेवल का एग्जाम था जो ट्रिनिटी कॉलेज की तरफ से हमने बुक किया था। सो वो एग्जाम हमने बुक किया था, मेरे इंग्लिश के एग्जाम बुक इसलिए किया था क्योंकि हमें जो हम वीजा एप्लीकेशन देंगे अपने ILR यानी कि इनडेफिनेट लीव टू रिमेन इन UK के लिए, तो उसकी एप्लीकेशन में एक दो टेस्ट मेन लगते हैं, एक तो लाइफ इन द UK टेस्ट और इंग्लिश का कोई भी एग्जाम, या फिर अगर आपने कोई स्टडीज यहाँ से की हो या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो इंग्लिश में आपकी स्टडीज है उसका एक कुछ प्रूफ दे पाए, फिर यहाँ से उसको कुछ चेंज वेरीफाई कराना होता है, लेवल में कन्वर्ट करवाना होता है। तो ये सारी झंझट से बचने के लिए हमने सोचा कि एक छोटा सा एग्जाम है वो दे देते हैं और वो भी मान लिया जाता है। तो बस एग्जाम मेरा जो था वो बहुत ही आसान था और बहुत ही इजी था और बहुत ही जल्दी भी होने वाला था। तो 10 मिनट का ही एग्जाम था, उसमें 2 सेक्शंस में एग्जाम था। सो पहले 5 मिनट्स में जो उन्होंने अपना एक कोई टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए बोला था और उसके जो हम अपना घर से डिसाइड करके लेके जा सकते हैं कोई भी टॉपिक, तो मैंने वो टॉपिक अपना होम कंट्री चुना था इंडिया, और उससे रिलेटेड फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, तो हमें उसके सब टॉपिक्स भी देने पड़ते हैं। तो मैंने उसके सब टॉपिक्स दिए थे जैसे कि वहाँ का वेदर, फूड, हिस्टोरिक प्लेसेस और कुछ UK और इंडिया के बारे में कंपैरिजन थोड़ा सा, तो उससे रिलेटेड उन्होंने मुझसे इजी इजी थोड़े से सवाल पूछे थे। और नेक्स्ट 5 मिनट्स में फिर वो जो 6 टॉपिक्स होते हैं जैसे फेस्टिवल, स्पेशल ओकेजन, ट्रांसपोर्ट और म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, इससे फिर वो कोई 3-2 टॉपिक चुनकर फिर वो उन हमसे सवाल करते। तो ये दोनों ही मेरे अच्छे से पार्ट अच्छे से हो गए थे और काफी अच्छा सा मेरा टेस्ट रहा। तो जो रिजल्ट है वो परी बेटो नो बेटा मम्मी को बताने दो, वो जो रिजल्ट है वो अब कल मुझे भेजेंगे मेल से, 9 बजे तक आ जाएगा सुबह, तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या रहा उसका रिजल्ट, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और हमने की है वहां पर थोड़ी सी शॉपिंग, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम क्या क्या लाए थे, क्योंकि वीकेंड था तो बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, इसलिए हमने एक ही शॉप से थोड़ा जो शॉप किया है मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या लेके आए हैं। और भीड़ होने की वजह से हमने सोचा कि अब ज्यादा बाहर नहीं रहेंगे और फिर जल्दी ही हम आ गए। तो यहाँ मैंने ली है ये पिंक कलर की, पीच कलर की परी के लिए एक स्वेटशर्ट, बड़ी ही क्यूट सी है और परी बहुत ही एक्साइटेड है उसे पहनने के लिए भी। तो ये इसमें ऐसे जो पॉकेट्स हैं उसमें ऐसे फ्रिल डिटेल्स हैं ये वाली, और थोड़ी सी गले पे भी है आई थिंक, तो पॉकेट्स में, और परी को अभी ही पहननी है। बच्चों से बिल्कुल सब्र ही नहीं होता है, और वहां पर जब हम गए थे परी बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी, कपड़ों को देखकर सब चीजों को इधर उधर भाग रही थी और उसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो उसने अभी ही अपनी जो ये स्वेटशर्ट है वो ट्राई कर ली है, पहन ली है, उसको अभी ही पहनने दी। अच्छा बैठ जाओ सोफे के ऊपर, दिखा दो पहन कर। हाँ तो और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या लिया है, और साथ ही में हमने ली है परी के लिए ये क्यूट सी टी शर्ट। और जितने भी बच्चों के लिए ऐसे छोटी छोटी चीजें ले उतना ही कम है। और साथ ही में मैंने लिए हैं 2 उसके लेगिंग्स, ये भी बड़े अच्छे से काम आते हैं, और अब जब नर्सरी जाने लगी है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ों की जरूरत पड़ती ही है। और फिर मैंने लिया है अपने लिए एक लेगिंग जो स्पोर्ट्स वाली होती है, फिटनेस वाली, तो वो ली है मैंने वॉक वगैरह और एक्सरसाइज के लिए। ये ग्रे कलर की है और इसमें ये थोड़े थोड़े से पैटर्न्स बने हुए हैं, ये ली है। बेसिक चीजें ही ली हैं, ज्यादा हमने कुछ फैंसी नहीं लिया है। और मैंने ली है ये पीच कलर की जैकेट, क्योंकि आजकल आपको तो पता ही है कि थोड़ा हल्की हल्की सर्दी होने लगी है, तो ये बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही अच्छी भी लगती है, तो ये ली है मैंने। तो दोस्तों यही है हमारा आज का जो वीडियो था और जो हमने शॉपिंग करी, जो मैंने आपको दिखा दिया है।
और आई होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा। एंड मैं आपको मिलूंगी बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय से बाय, बाय फ्रेंड्स। एंड होप यू लाइक माय वीडियो एंड मैं इसी तरह हमारे साथ बने रहें। टाटा, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड बी सेफ।